ये देख लो भाई, ये है यूरोप की सबसे सस्ती फ्लाइट। यहाँ पे पैदल लेके आए हैं हमें यहाँ से। आज तक की सबसे सस्ती फ्लाइट में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि कैसी है। नमस्ते दोस्तों, तो एक नए दिन में आप लोगों का स्वागत है। आज हूँ मैं मोरक्को के टेंजेर सिटी में। यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो भाई क्या लिया है ये? पता नहीं क्या, कुछ केक आया बड़ा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे है ना, जो मॉर्निंग में है ना, लोग ब्रेकफास्ट में बहुत अलग अलग तरीके की ब्रेड खाते हैं, तो यहाँ पे भैया फ्रेश ब्रेड बना रहे हैं ये लोग। ये देख लो, ये तो मेरे को नान लग रहा था, और ये मोरक्को की ब्रेड है, ये इनकी स्वीट डिश है जो अभी पाजी ने खाई है। तो आज फाइनली भैया मैं बिल्कुल वैसे बैठा हुआ हूँ जैसे यहाँ पे मोरक्कन लोग बैठते हैं ना, जैसे अंकल जी बैठे हुए हैं। तो लोगों का यहाँ पे शौक है इस तरीके से बैठ के और सामने का व्यू इंजॉय करना। ये यहाँ की कोई स्पेशल मिंट टी है भाई, देख लो यार कितना मिंट वगैरह डाला हुआ है। मैंने तो आज से पहले इस तरीके की चाय नहीं पी जिसमें इतना मिंट डाला हुआ। और पाजी ने मंगाई है पूरी भैया ब्रिटिश स्टाइल, जो कि अलग चीनी लेके आए हैं, दूध, और ये देखो इस तरीके की केटली में लिप्टन दी चाय है। अभी मैंने अपनी चाय खत्म कर दी है, नो डाउट बड़ी अच्छी थी एकदम। अभी है ना हल्की हल्की सी बारिश आना चालू हो गया है, और हम लोगों ने जो चाय पी थी ना, मेरी जो चाय थी वो थी 12 दिरहम की, और भाई की जो इंग्लिश टी थी वो थी कुछ 15 की, तो 27 दिरहम में हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे तो एक यहाँ पे मोरक्कन भाई मिल गए। व्हाट्स योर नेम? My name is Hisham. It's like 1263. भाई ये देख लो, 1000 साल से भी पुरानी मॉस्क है यहाँ पर, बहुत अच्छी लग रही। तो भाई ये हमें घुमा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही मिल गए जनाब। कोई मतलब कह रहे हैं हमारी दुकान वगैरह है, देख लो। मैंने बोला कोई सामान वगैरह तो हमें खरीदना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाई लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो कह रहे खाली देख लो। और हमें फिर घुमाने लगे, कह रहे चलो हम, मैं तुम्हें यहाँ की जो नॉर्मल गलियों में घुमाता हूँ। Bakery with bread. Majority of people, you buy flour, you make bread at home, you take to the bakery. The bakery, you have wood fire. Okay. The second one, you have the water place. Some houses you don't have water, you come one place for free water. Some houses you have water, you pay money. The fourth one, you have the steam bath, you call hammam, massage. Okay. You have three rooms. First room, very fresh. Second, normal. The last one, very hot. Women, men, together, big problems. The last one, you have the Quran school. भाई यहाँ देखो जितनी भी दुकानें हैं ना, सब दुकानों का एग्जैक्टली सेम डोर है, मतलब देख लो यार पूरी यहाँ से वहाँ तक भाई। और दुकानों के ऊपर है ना नंबर भी नहीं लिखा, ना नाम लिखा है। मैं बता रहा हूँ, अगर रात को अगर आप लोग कोई भी दुकान ढूंढने निकलोगे ना जिससे सामान लिया है, भाई पहचान ही नहीं पाएंगे। भाई अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट में खाने के लिए, जो कि यहाँ से पास में ही है, मुश्किल से 10-15 मिनट की वॉक है। बट ये यहाँ पे क्या है, जो इंडियन रेस्टोरेंट है ना दोपहर में 2 बजे खुलते हैं यार। तो मतलब मोस्टली जैसे अमेरिका के अंदर जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट है ना 11 बजे के आसपास खुलते हैं, बट ये अनोखा है भाई, 2 बजे खुलते हैं। तो सीधा ही लंच वो सर्व करते हैं और डिनर, और फिर उसके बाद बंद। तो ब्रेकफास्ट वगैरह का कोई सीन नहीं है। वैसे जो स्पेन है ना वो सिर्फ 25 किलोमीटर है, अगर आप लोग 25 किलोमीटर ड्राइव करते हो ना तो स्पेन पहुंच जाते हो, बट ड्राइव करने का कुछ नहीं है। यहाँ से आप लोगों को कोई क्रूज़ लेना होगा, और ये यहाँ पर ना स्पेन का एक मतलब पार्ट है जिसको मोरक्को बोलता है कि ये भैया हमारी लैंड है। बट वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ना वो सब स्पेन वाले लोग रहते हैं। सामने आप लोग देखोगे कि यहाँ पे है समुंदर, और समुंदर के जो दूसरी तरफ है ना, जैसे मैंने बताया कि 20-25 किलोमीटर ही जाओगे तो सीधा लैंड आ जाएगी स्पेन की। तो ये यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से ना 2 ऑप्शन है आपके यूरोप जाने के, आप यहाँ से क्रूज ले सकते हो, वो भी बहुत सस्ती है, दूसरा फ्लाइट ले सकते हो। अभी हमारी कल की जो फ्लाइट है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं पेरिस की तरफ, और मैंने जब फ्लाइट जब चेक की थी ना कुछ $20 के करीब की आ रही थी, बट मैं उस टाइम ना बुक नहीं करा पाया, तो थोड़ी लेट मैंने बुक कराई, तो मेरी शायद हुई है कुछ $39 की। तो इतनी सस्ती फ्लाइटें हैं यहाँ से मोरक्को से आप लोगों के लिए यूरोप जाने के लिए। और तो ये हम लोग पहुँच गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट, इसका नाम है इंडियन स्पाइस। सही है, इसके प्राइस वगैरह भी काफी रीजनेबल ही हैं। तो भाई अभी यहाँ पे हमारा खाना आ गया था और हम लोगों ने खा लिया। ये जो है ना सिटी, ये काफी ज्यादा फेमस है, अगर आप लोग रिसर्च करोगे ना, लिखोगे टेंगेर, तो यहाँ पे इब्न बतूता लिखा हुआ आएगा, जिसने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया था एक टाइम में, तो उसके नाम से काफी ज्यादा ये फेमस है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ट्रैवलर्स आते हैं। नमस्ते दोस्तों, तो एक नए दिन में आप लोगों का स्वागत है। बट कल है ना पूरे दिन यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो हम लोग ज़्यादा है ना आप लोगों को सिटी वगैरह घुमा नहीं पाए, और ऑलरेडी हम लोगों ने ना आज अपनी टिकट बुक की हुई थी मोरक्को से पेरिस के लिए, जो कि अभी हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। मिलते हैं फिर भाई, पाजी का हमारा सफर इतना ही लिखा हुआ था। यहाँ पे हमारी आ गई है टैक्सी, ये अभी हम लोगों ने ये टैक्सी की है 90 दिरहम में, और ये हमें लेके जा रहा है इब्न बतूता एयरपोर्ट।
भाई यहाँ देखो कितनी बिल्लियां हैं, ये देखो भाई कूड़ा दान था, कम से कम 1000 बिल्ली बैठी हैं। ये हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे, और ये जो एयरपोर्ट है ना, देखो इसका नाम है इब्न बतूता। ये है एयरपोर्ट अंदर से कुछ ऐसा। भाई इनके जो रेलवे स्टेशन है ना वही मच बेटर है, इससे तो मतलब लाख गुना अच्छे हैं। लिखा हुआ है हमारा फ्लाइट का जो उड़ेगी 7:25 पे। यहाँ पे चल रही है हमारी बोर्डिंग, सारी खाली पड़ी हुई है, लग रहा है एक ही फ्लाइट उड़ रही है इस एयरपोर्ट से। ये अभी इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर हो गया, वहाँ से इमिग्रेशन था, और ये हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर। और जो सामने एक वाइट शीट सी देख रहे हो ना, बस इतना सा एयरपोर्ट है। यहाँ पे टोटल गेट ही 6 हैं, मतलब इतना छोटा सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे अजीब चीज़ है देख लो, इस तरीके का बोर्डिंग पास दिया है हाथ से लिख के, और अजीब सा लग रहा है। मतलब मैंने हाथ से लिखा हुआ एक बार बहुत पहले भी देखा है, बट वो ओरिजिनल बोर्डिंग पास पे होता है। ये तो एक कागज़ सा इन्होंने दे दिया। मैंने उससे पूछा भी यही है क्या बोर्डिंग पास, कह रही हाँ, कह रही तुम्हें प्रिंट करके लेके आना होता है, तुम लेके नहीं आए तो मैं इस तरीके से लिख के दे रही हूँ। तो अभी भाई मुझे तो यहाँ पे एंट्री इन्होंने दे दी है, खाली ये पूछ के कहाँ जा रहे हो, तो मैंने इनको बोला अभी पेरिस जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ दिन के लिए आया था। भाई यही क्वेश्चन पूछे, फिर भाई से भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे, बट फिर भाई को एक बार ही अलग से रूम में ले गए हैं उनका वीज़ा चेक करने के लिए। मेरा भी ना पासपोर्ट को चेक कर रहे थे कि ओरिजिनल है या नहीं है, बट भाई का जो वीज़ा है उसको चेक कर रहे हैं कि ओरिजिनल है या नहीं है। तो अभी पकड़ के लेके गए हैं, तो अभी वो वीज़ा चेक करेंगे, तब उनको छोड़ेंगे, तब वो आएंगे, तो पूछते हैं कि भाई क्या चेक कर रहे थे ऐसा। हेलो, फाइनली भाई आ गया। भाई क्या सीन हो गया था? कहते पहली बार जा रहे हो? तो मैंने कहा नहीं। तो कहते पुराने वीज़ा कहाँ हैं? तो मैंने कहा पिछले पासपोर्ट पे हैं। तो कहता पिछला पासपोर्ट दिखाओ, तो मैंने दिखा दिया। तो उसने फिर मेरे पासपोर्ट में 3 शेंगन वीज़ा हैं पिछले में, और एक आयरलैंड का है, मतलब EU के 4 वीज़ा हैं, प्लस US कनाडा सब हैं। तो भाई उसने फ्रांस वाला ही खोल लिया। सबसे पहले फ्रांस वाला आता है पुराने पासपोर्ट में। अच्छा, तो उसने दोनों वीज़ा से कंपेयर करे, कहता ये वाला फ्रांस का तो अलग लग रहा है और ये वाला अलग लग रहा है। ठीक है, तो मेरे को बोला नहीं उसने कुछ, वो अपने ऑफिसर के पास कमरे में ले गए मेरे को, अपने सिस्टम पे बैठ गए, फिर मेरे को बाहर बिठा दिया कहीं पे, कहते हम चेक कर रहे हैं। तो उसने 2-4 सवाल पूछे, एक ही सवाल बार बार पूछा, करते क्या हो? तो मैंने बता दिया मैं जो भी करता हूँ। तो कहता ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरे को बुलाया, तो कहता उसने फिर बताया मेरे को कि ये तो दोनों वीज़ा तेरे पास फ्रांस के हैं, और दोनों अलग अलग कैसे लग रहे हैं? मेरे को क्या पता भाई, एम्बेसी ने डिज़ाइन चेंज कर दिया होगा, मेरी गारंटी थोड़ी ना उस चीज़ की। तो वो कहता ठीक है, हम चेक करने लग रहे हैं। तो भाई कहता कि जो पुराने पासपोर्ट का फ्रांस वीज़ा है ना, ये तो हमने देख रखा है, ऐसे वीज़ा मोरक्को में मिलते हैं, पर ये जो तू नए पासपोर्ट पे चिपकवा के लाया है ना, ये नहीं देख रखा हमने। हाँ, तो यही सीन कर दिया उन्होंने। तो वही है, वीज़ा भी चिपकवा के लाओ तब भी कोई इज्जत नहीं है। वीज़ा के बाद वेरीफाई कर रहे हैं कि नकली वीज़ा तो नहीं है। वीज़ा का ही सीन था, मेरे को यही लग रहा था कि मेरा भी पासपोर्ट को ना ऐसे चेक कर रहे थे, कोई नकली तो नहीं है, ऐसे स्क्रैच करके देख रहा था। तो ये देख लो भाई, ये है यूरोप की सबसे सस्ती फ्लाइट, यहाँ पे पैदल लेके आए हैं हमें यहाँ से, और मैंने ऐसे कभी नहीं देखा पहले। अब ऐसे लाइन में खड़े हुए मेरे को तो ऐसा लग रहा है किसी बस में चढ़ रहे हैं। ये इतनी सस्ती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इसकी जो टिकटें हैं ना $10, $15, मतलब 500-500 रुपये में भी बिकती हैं। मेरी जो सीट है ना 10 नंबर है, तो मैं आगे से जा रहा हूँ, भाई की 20 नंबर है, तो पीछे की तरफ से जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई लगेज वगैरह नहीं है ना, और यूरोप में सबसे सस्ते में ट्रैवल करना है, तो ये फ़्लाइट है भैया। तो ये वाली जो फ़्लाइट है, आज तक की सबसे सस्ती फ़्लाइट में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि कैसी है। खाना पीना वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, मुझे पता है पानी भी नहीं देंगे ये लोग। भाई ये आ गया हूँ मैं फ़्लाइट में। तो भाई लेग स्पेस तो अच्छा है यार, इतनी सस्ती होने के बावजूद भी टच भी नहीं कर रहे हैं, और ट्रे भी दी हुई है यहाँ पर। बस ये है कि कोई स्क्रीन वगैरह नहीं है सामने के, भाई टीवी वगैरह कुछ देख लो, वैसे भी मैं नहीं देखना, मेरे को वीडियो ही एडिट करनी है। अच्छा, इन्होंने इस एयरलाइन से ना एक चीज़ जो मिस की है, वो क्या है कि यहाँ पे पॉकेट वगैरह होती है ना, आप सामान वगैरह रख लेते हो, वो नहीं है। सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे रख दिया है कि भैया सामने देख लो, ये परमानेंट चिपका दिया। ये भी सही है यार, यहाँ पे अब और ज़्यादा स्पेस मिल गया है। तो ये पहुँच गए हैं भाई हम लोग पेरिस में ना। मैं यहाँ पे भाई की वेट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई की जो सीट नंबर थी वो थी 20 और मेरी थी 10। तो अब भाई को टाइम लगेगा यहाँ पे उतरने में, नो डाउट। भाई मेरे को तो ये एयरलाइन सही लगी, मतलब सस्ते में और आराम से पहुँचा दी। भाई अभी ये हम लोग इमिग्रेशन करा के यहाँ पे आ गए हैं। भाई इमिग्रेशन यहाँ पे इतना ज़्यादा इजी था ना, तो भाई से कुछ पूछा ना, मेरे से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा, बस हम लोग वहाँ गए और स्टैम्प मारी और कह रहे कि चलो अंदर। भाई अब हम लोग आ गए हैं, और बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है, मतलब कि हम लोगों को जैसे ही एयरपोर्ट से उतरे ना, 2 मिनट चले और इमिग्रेशन काउंटर, और इमिग्रेशन से अब हम लोग बाहर आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे जो सीधा हमें लेके जाएगी
पेरिस आईफिल टावर के पास में। पहले हमारी प्लानिंग थी कि हम लोग है ना एयरपोर्ट पे ही रुक जाएंगे सुबह तक, सुबह सुबह 4 बजे के करीब यहाँ से कोई शायद ट्रेन जाती है, सीधा हम लोगों ने सोचा था वो पकड़ेंगे, बट अभी एयरपोर्ट ही बंद हो जाएगा तो एयरपोर्ट के अंदर तो रह नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यार सीधा हॉस्टल कराते हैं आज का भी और फिर वहाँ पे हम लोग रुकेंगे, क्योंकि अभी है ना यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं तो 10:30 बजे में, बट भाई यहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा है। भाई यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन सेंटर, अंदर बंदे बैठे हुए हैं अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट यहाँ पे मिल रही है जो टिकट ऑफिस पे, जो बस की जो टिकट है ना उसकी कॉस्ट है 17 यूरो की। तो भाई यहाँ से हम लोग लेके आ गए हैं टिकट, तो ये है बस की टिकट जो 18 की पड़ी है, वो वहाँ से अगर आप लोग ऑनलाइन लोगे ना स्कैन करके तो 17 की पड़ेगी, 1 यूरो बच जाएगा आप लोगों का। और अभी हम लोगों ने जल्दबाजी में ले ली क्योंकि सिर्फ 5 मिनट में जो है ना बस आने वाली है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है तो जितने लोग भी बस में आएंगे ना तो वो जा सकते हैं, वो बोल रही है क्योंकि कह रही है बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग जाती है यहाँ पे, मुझे लगता है हमें तो मिल ही जाएगी सीट। ये है भाई हमारी बस, और अगर आप लोग के पास लगेज वगैरह है तो यहाँ पे नीचे डाल सकते हो लगेज, और नहीं तो अपना हैंड बैग आप ऊपर ले जा सकते हो, तो मेरे पास तो हैंड बैग है जो मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो भाई ये हमारी बस पहुंच गई है पेरिस में, और यहाँ पे अब हम लोग अपना लगेज ले रहे हैं, ये भाई ने ले लिया, भाई 2 बैग लेके आए हुए हैं, मैं 1 लेके आया हुआ हूँ। लो भाई तो अभी हम लोगों ने अपना एक और हॉस्टल करा लिया है जो कि यहाँ से मुश्किल से 15-20 मिनट की दूरी पे है, और ये जो हम लोगों ने हॉस्टल कराया है ये कुछ 43 यूरो का है। अभी पहुँच के आप लोग को दिखाते हैं। बस की राइड बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब इतनी स्मूथ थी कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग किसी जगह बस में बैठे हुए हैं, रोड वगैरह भी एकदम स्मूथ है यहाँ पे। तो पेरिस जो है अभी आप लोगों को कल हम लोग घुमाएंगे, अभी हम लोग है ना काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, बस किसी भी तरीके से हॉस्टल पहुँचना चाहते हैं। भाई काफ़ी देर से मेट्रो स्टेशन ढूँढ रहे थे तो ये लिखा हुआ इस तरीके से M का मेट्रो, और ये रही भाई हमारा स्टेशन नीचे। ये ले लिए हम लोगों ने टिकट जो के है 2.15 यूरो की। ये खुल गया सिम। तो ये है मेट्रो का, बैठते हैं। यहाँ पे आ गया है हमारा स्टेशन, यहाँ से हमें ना चेंज करनी है दूसरी मेट्रो। भाई ये मेट्रो इतनी तेज चलती है ना मैं क्या बताऊँ आप लोग को, बड़ा जबरदस्त मजा आ गया। अभी हम लोग आ गए हैं अपनी दूसरी मेट्रो पकड़ने के लिए। ये वाली मेट्रो देखो कितनी कूल है, इन्होंने किसी ने ना यहाँ पे ग्रेफिटी आर्ट बनाई हुई है इसके ऊपर। ना बड़ी तेज हमें प्यास लगी हुई थी तो यहाँ वेंडिंग मशीन थी, हम लोगों ने यहाँ से ये खरीद रहे हैं, ये कुछ ऑरेंज जूस टाइप में है। ये आ गई भैया, गिर गई, और ये थी 2 पाउंड की। अभी कहाँ गया वो भी भाई। तो ये ले लिया हमने। तो भाई ये आ गई है हमारी मेट्रो यहाँ पर जिसमें हम लोग जाएंगे। पहले वाली जो मेट्रो थी ना वो ड्राइवर लेस थी, बट इसमें भाई अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है। ये थोड़ी सी काफ़ी पुरानी लोकल सी लग रही है, पहले वाली मेरे को मस्त लगी थी सुपर। चलो इसमें राइड लेके देखते हैं कैसा लगता है। तो ये आ गया हमारा मेट्रो स्टेशन गारा दे ईस्ट, और यहीं पर ही है हमारा जो है हॉस्टल है, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा यहाँ से। और भाई ये जो मेट्रो थी ना इसके अंदर बहुत सारे इंडियन बैठे हुए हैं अभी रात को। अभी बजे हुए हैं रात के 1, और मेट्रो के अंदर हम लोगों ने जैसे ही एंटर किया था ना इसमें, भाई इतने सारे इंडियन, लगा लो 20 लोग थे ना, तो उसमें से कम 10 लोग भैया अपने देसी लोग थे। भाई देख लो गेट कैसे बना रखे हैं। तो भाई अभी मेट्रो स्टेशन से जैसे ही बाहर निकले ना तो यहाँ पे था KFC, और हमें ना बहुत तेज भूख लगी थी तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे 2 सैंडविच ले लिए हैं अभी, चिकन सैंडविच। ये आ गया हमारा KFC का सैंडविच जो हम चलते चलते खाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 1:30 बजे पहुँचेंगे हम लोग अपने हॉस्टल में। लो भाई देख लो रात को ऑलमोस्ट 1:30 बजे पेरिस की गलियों में किस तरीके का नज़ारा है। अभी एक आदमी ने हमें रोक लिया था और कह रहा था भाई कुछ पैसे वैसे है तो दे दो। भाई रात को 1:30 बजे भी है ना यार बंद नहीं हुआ, ये देखो सारी खाने की दुकानें भी यहाँ पे खुली हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं अंदर, गाड़ियाँ भी चलने लग रही हैं भाई, ये देखो बसें चलने लग रही हैं यार रात को 1:30 बजे। सेंट क्रिस्टोफर इंस, ये हम लोग पहुँच गए हमारे हॉस्टल में, बट अभी यहाँ पे चेक इन के लिए कोई नहीं है, वो बंदा कह रहा है 15 मिनट में आएगा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भैया रात को है ना नींद इतनी अच्छी आई, 2 बजे करीब हम लोग सोए यहाँ पर, और अभी उठे हैं, अभी 10 बज चुके हैं, और यहाँ पे भाई भी उठ गए हैं। अभी आपको है ना नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ इस हॉस्टल का नज़ारा। तो इस वीडियो में इतना था, अगर ये वीडियो पसंद आई लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर जल्द मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में तो भैया पेरिस का पूरा आप लोग को टूर दूंगा, तो तब तक के लिए बाय।